बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डैफोडिल्स किचन। आज जो डैफोडिल्स किचन में बन रहा है जी, ज़बरदस्त सा हम सूप बना रहे हैं। और क्योंकि आपको पता है बकरा ईद है, तो मैं जो है मेरे पास कुछ हड्डियां बची हुई हैं, तो मैं इसका क्या चाह रही हूँ कि सूप बना लूँ बहुत लाइट सा। जाहिर हैवी खाना खा के हम थोड़ा उकताया था, तो हम चाहते हैं कि लाइट सा हम कुछ लें। तो ये तकरीबन आधा किलो मैंने हड्डियाँ ली हैं और ये बीफ है, ठीक है, और बहुत लाइट सा सूप बनाएंगे, ज़बरदस्त सा। इसके अलावा मैंने बहुत ही जो है हमें साबित गरम मसाला यूज़ करना है और बहुत ही लाइट सा सूप बनेगा। एक तेज़पात लिया है मैंने, इसके अलावा 1 टीस्पून साबित धनिया लिया है, इसी तरह 1 टीस्पून सौंफ लिया है, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद हरी इलायची, 1 बादियान का फूल, 5 से 6 अदद लौंग ली है, 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, लाल मिर्च इसमें नहीं जाएगी। इसके अलावा हल्दी लिया है 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम, नमक आप टेस्ट कर लिएगा अकॉर्डिंग टू योर फ्लेवर डालिएगा, ये 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है। लहसुन 6 से 7 जो है मैंने लिए थे, 6 से 7 क्लोव्स लिए थे। और इसके अलावा अदरक लिया है 1 इंच का टुकड़ा आप ले लें, और हरी मिर्च लिया, आप चाहें तो 1.5 ले सकते हैं, मैंने 1 बड़ी ले ली हरी मिर्च, क्योंकि स्पाइसी तो करना नहीं है क्योंकि सूप है, लाइट सा है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इनको जो है मैंने बॉईल कर लिया था, इन हड्डियों को बॉईल कर लिया था गर्म पानी में डाल के। चलें फर्दर प्रोसीजर की तरफ चलें जी। पानी तकरीबन मैंने 1.5 लीटर इसमें डाला है और हड्डियाँ शामिल कर दी हैं, ये हल्दी और नमक भी इसमें शामिल हो गया, इसके अलावा लहसुन, अदरक और 1 हरी मिर्च, क्योंकि स्पाइसी नहीं होता, क्योंकि ये पीना होता है उठा के, तो ये स्पाइसी तो जहर नहीं हो सकता। तो बस इसमें क्या होता है कि हड्डियों का अर्क जो है वो आता है और स्पाइसेस का अपना फ्लेवर। तो ये साबित गरम मसाला जो सारे आपको इंग्रेडिएंट्स बताए थे वो सारे इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो है पॉट में बना रही हूँ। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे ऑन अ लो फ्लेम इसको कुक करेंगे और फिर आपको उसका फाइनल लुक दिखाते हैं। अच्छा, इसमें पहले मैंने 1.5 लीटर पानी शामिल किया, लेकिन मैं मज़ीद पानी शामिल कर रही हूँ, ये तकरीबन 2 से 2.5 लीटर के करीब पानी है। अब ये ऐड क्यों किया है, 2 से 2.5 लीटर के करीब पानी है तकरीबन, इसको ये इतना पकेगा 2.5 घंटे या 3 घंटे इतना पकेगा ऑन ए लो फ्लेम, ये तकरीबन सिर्फ 2 से 3 कप हार्डली रह जाएगा, यानी तकरीबन 1 लीटर से 1.5 लीटर रह जाएगा पानी। फिर आपसे मिलते हैं इसको कुक करने के बाद। चलें जी, ये बिस्मिल्लाह करते हैं और ये सूप हमारा जो है रेडी हो चुका है। इस वक्त ये आप देख सकते हैं सूप रेडी हो चुका है, और अब बस इसको डिश आउट करते हैं। और डिश आउट करने से पहले हमें इसको क्या करना होगा, छानना होगा, क्योंकि आपको पता है इसमें मैंने क्या क्या डाला था, लहसुन, अदरक, और ये आप देख सकते हैं मैंने बाद में प्याज भी, आधा टुकड़ा जो है मीडियम साइज़ की, आधी प्याज, हाफ प्याज मीडियम साइज़ की, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी। तो प्याज, अदरक, लहसुन और साबित गर्म मसाले के साथ हमारा ज़बरदस्त सजी सूप रेडी है। अब इसको छानते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, ये है ज़बरदस्ती हेल्दी सा सूप, और इसमें मैंने जो नली थी और जो गूदा था वो भी इसमें डाल दिया है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।